किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सचिन वाजे को 25 मार्च तक मिली हिरासत। बिजली से लगी इमारत में आग। एमपी इम्तियाज जलील ने एम्बुलेंस के लिए निकाला रास्ता। डीजे की धुन पर हाथी पागल। खतरनाक ज्वालामुखी आग की झील। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं अंबानी के घर के पास मिले जिलेटिन मामले में सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। वाजे ने थाने की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने अपील खारिज कर दी है। थाने के कलवा में एक आवासीय इमारत में बिजली के मीटर कक्ष में आग लग गई। ये आग कलवा के एसपी सोसाइटी में लगी थी। घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन 28 मीटर केबल जलकर राख हो गया। इस दौरान बिजली घंटों गायब रही। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। एमआईएम के एमपी इम्तियाज जलील ने ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस के लिए जाने का रास्ता निकाला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से गुजरते समय लंबी जाम में एम्बुलेंस फंसी थी। खुद इम्तियाज जलील ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता निकलवाया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही। बिहार के सीवान में डीजे की धुन पर एक हाथी पागल हो गया और डीजे वाली ट्राली को पलट दिया। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली पर डीजे बज रहा था जिसकी आवाज़ सुनकर हाथी का संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान हाथी रोड पर इधर उधर भागने लगा जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद डीजे वाली ट्रैक्टर ट्राली को हाथी ने रोड पर ही पलट दिया। हाथी के इस हमले से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है मगर महावत ने काफ़ी देर बाद हाथी को काबू में कर लिया। अफ्रीका के कांगो में आग की झील का नज़ारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे शक्तिशाली नायमुरा गिरा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एक चौड़े से कुंड में जाकर इकट्ठा हो जाता है और ये काफ़ी भयानक रूप इसकी देखी जा सकती है। ये तस्वीरें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की है जो एक बार फिर धधकता हुआ ज्वालामुखी का लावा उबाल मार रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।